शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कीर्ति बेटा बात हुई वरुण से? वो फोन ही नहीं उठा रहे। भगवान, आज उनको आने में इतनी देर कैसे हो गई? अभी तो बहुत घबराहट हो रही है। आप परेशान मत होइए, आप पानी पीजिए, लीजिए, हम फोन लगा रहे हैं। आगे वरुण बेटा, क्या हुआ? आज इतनी देर कैसे हो गई आपको? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अभी तो आपके बॉस आए थे, आपकी इतनी तारीफ करके गए, आपके काम से इतना खुश थे, फिर अचानक क्या हो गया? रागनी, ये सब रागनी का पहले से प्लान था। कि उसने मुझे इतनी ज्यादा सैलरी वाली नौकरी दिलवाई, बड़े बड़े सपने दिखाए और इस तरह से तोड़ दी। इतने बड़े घर का किराया, इतने सारे सामान का लोन, मैं बिना नौकरी के कैसे चुकाऊंगा? उस रागनी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। रागिनी, रागिनी! ओफो, क्या है, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या हरकत है? रागिनी, प्लीज आज अपना ये तमाशा मत करो। मम्मी जी को डॉक्टर के पास जाना है अपना हाथ दिखवाने के लिए। अपनी गाड़ी सामने से हटाओ प्लीज। अरे अजीब दादागिरी है तुम सबकी, ये मेरे पार्किंग की जगह है, मैं जहाँ चाहे गाड़ी लगा सकती। भूलो मत, ये पूरा घर तुम्हारा नहीं है, इसमें आधा हिस्सा हमारा है, इसलिए आंगन में भी आधा हिस्सा हमारा होगा। मैंने कहा ना, मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगी, कर लो जो करना। बहुत हो गया, अब तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। प्लीज, एक बार तुम कानून की नजर से बच गई हो रागे, पर हर बार ऐसा नहीं होगा, और इस बार तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सजा तो मिलेगी, लेकिन किसे मिलेगी ये तुम खुद देख लेना। उसने धोखा देके हमारे घर पे कब्जा कर लिया। वकील साहब, आप कुछ भी करें, कुछ भी, पर रागनी सिंघानिया को हमारे घर से निकाली। और जब से वो आई, तब से हमारे परिवार को सिर्फ तंग ही किए जा रही। समझ लीजिए कि वो ये बात ठान कर आई है कि हमारे परिवार को परेशान करने में वो पीछे नहीं हटेगी। अगर अब वो पीछे नहीं हटेगी तो हम भी उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप लोग आराम से घर जाइए, मैंने रागनी सिंघानिया के खिलाफ नोटिस भेज दिया, पुलिस भी उसके पास पहुंच ही रही होगी। जी, एक मिनट, मैं एक चीज आपको पहले ही साफ साफ बता देना चाहता हूँ। ये प्रॉपर्टी का केस आसानी से खत्म नहीं होता, लोग सालों साल अदालत के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। कहने का मतलब है कि केस खत्म होने में वक्त लगेगा, और जितना ज्यादा वक्त लगेगा उतना खर्चा होगा। हम तैयार हैं सर। ठीक है, पुलिस को अपना काम करने देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब तक रागनी को सजा नहीं मिलेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। हेलो, क्या क्या हुआ श्रद्धा? अभी तो ये ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। अरे क्या भरोसा है, शायद ये सारा गड़बड़ उस कीर्ति की वजह से हो रहा है। मम्मी जी, जब तक हमें पूरी तरह से नहीं पता चल जाता कि आखिर हुआ क्या है, हम ऐसे कीर्ति पर इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना। कुछ पता चला वकील साहब, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं।
आरती, मेरा तो कियारा को सोच के दिल बैठा जा रहा है। सच में मुझे भी इसी बात की टेंशन हो रही है कि पता नहीं उस बेचारी की क्या हालत होगी। क्या हुआ पापा? कुछ पता चला वो जेल से छूटे या नहीं? और ये सब हुआ कैसे? पुलिस स्टेशन से पता चला है कि कंप्लेन हमारे घर से ही हुई है, और कंप्लेन तुमने और श्रद्धा ने की है कि ये घर धोखे से लिया गया है। लेकिन पापा जी, नोटिस तो हमने रागिनी के खिलाफ भेजा था, तो फिर ऐसे में ताई जी, वरुण जी और कीर्ति को जेल कैसे हो सकती है? और इन सब में उस 7 साल के बच्चे की क्या गलती? उसे पुलिस ने जुवेनाइल होम में क्यों भेज दिया है? इंस्पेक्टर किरण, उसी ने रागिनी के साथ मिलकर ये सब करवाया है। अबे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उन दोनों चुड़ैलों ने मिलकर ना हमारे पूरे परिवार को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। बस अब मैं और नहीं सहूंगा, जा रहा हूँ, उस रागिनी को उसके सामान के साथ उठा के बाहर फेंकूंगा मैं। नहीं अभय। श्रद्धा तुम मुझे नहीं रोकोगी आज? अभय मेरी बात सुनिए प्लीज। अभय गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, गुस्से से मुश्किलें नहीं टलती। पापा और कितना सहेंगे हम? हम नहीं सहेंगे अभय, लेकिन कुछ करने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि जब हमने कंप्लेन रागिनी के खिलाफ की थी तो हमारे घर वाले कैसे जेल पहुंच गए। आखिर ये बाजी पलट कैसे गई, ये जानने के बाद ही तो हम कुछ कर सकते हैं ना अभय। और सबसे पहले हमें हमारी बच्ची कियारा को जुवेनाइल होम से निकालना होगा, वो वहां पे ऐसे नहीं रह सकती है। हाँ भैया प्लीज, आप कुछ भी करके उसे वापस लेकर आइए, पता नहीं उसे वहां पर क्या क्या देखना पड़ रहा होगा। इतनी छोटी सी बच्ची ऐसी जिंदगी देखेगी तो जिंदगी भर के लिए उसके दिमाग पर क्या असर होगा। पड़ जाएगी आदत तुझे भी कुछ दिनों में, जितना रोना है रो ले, फिर ये तेरा रोना धोना देखने कोई नहीं आएगा। खबरदार। कौन है आप लोग? मैं कियारा की मासी हूँ। मासी प्लीज, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ से ले चलो। हाँ बेटा, हम आपको यहाँ से ले जाने ही आए हैं। कियारा हमारे साथ जाएगी, इसका परिवार है इसकी देखभाल के लिए। हाँ लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपको इंस्पेक्टर किरण से बात करनी होगी, उनके परमिशन के बिना आप इस बच्ची को यहाँ से नहीं ले जा सकती। आप कियारा को यहाँ पर कैसे छोड़ सकते? इसके मम्मी पापा और दादी को तो आपने पहले ही जेल भेज दिया है, तो आपको क्या लगा कि कियारा की देखभाल करने के लिए इसके परिवार में अभी कोई जिंदा नहीं है? अरे नैना त्रिपाठी अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगी, इसलिए मुझे मजबूरन इस बच्ची को यहाँ लाकर छोड़ना पड़ा। वैसे भी धोखाधड़ी करने वालों की बेटी और कहाँ जाती, तुम ही बताओ। उनके साथ यही होना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? अगर आप में से किसी ने भी मुझे कियारा को यहाँ से ले जाने से रोका तो इसका जवाब आपको अदालत में देना होगा। चलो बेटा। पता नहीं माँ, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कैसे नहीं सोचा कि ये सब रागनी कर रही होगी। क्या हो गया था हमें, क्या कर दिया हमने? पता नहीं हमारे कियारा की क्या हालत हो रही होगी, पता नहीं सी जान ये सब कैसे सह पाएगी। ताई जी आप कियारा की फिक्र मत कीजिए, उसे मैं मम्मी पापा के पास छोड़कर आई हूँ, सिया और सानवी भी है उसके साथ। ताई जी आप इस तरह से अपने आप को दोष मत दीजिए, ये तो रागिनी ने हमें फिर से धोखा दिया है। देखिए ना, फ्रॉड के केस में उसने हमें अंदर कर दिया,
जबकि धोखाधड़ी तो रागनी ने की है ना हम लोगों के साथ। कीर्ति फिक्र मत कर, पापा जी और अभय है ना, वो बेल के बारे में बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर से। ये रहे इनके बेल के पेपर्स, अभी ने हम ले जा सकते हैं। ले आओ सबको बाहर, इन पेपर्स पर साइन कर दो। आप इन्हें ले जा सकते हैं, पर भरोसा नहीं कब इन्हें फिर से थाने के चक्कर काटने पड़े। बेटा भाभी और कीर्ति को लेकर तुम घर जाओ, इन्हें इस हालत में मुझे देखा नहीं जाएगा, इनका ध्यान रखना बेटा। ताई जी आप फिक्र मत कीजिए, रागिनी ने जो कुछ भी आप लोगों के साथ और कियारा के साथ किया है ना, उसके लिए हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। छोड़ दिया आज तो पुलिस ने तुम्हारे परिवार को, लेकिन आइंदा अगर कंप्लेन करने की कोशिश की ना तो फिर से वही होगा। पढ़ लो ध्यान से, ये वही कागजात है जिन पे वरुण ने साइन किया, लेकिन उस बेवकूफ ने बिना पढ़े ही साइन कर दी। ये तो बस शुरुआत है। क्या हुआ भाई, क्या लिखा है इसमें? हाँ बेटा क्या लिखा है? क्या लिखा है बेटा? लिखा है रागिनी ने इस घर का सिर्फ नीचे वाला हिस्सा ही नहीं बल्कि धोखे से पूरा घर ही खरीद लिया है। अब ये पूरा घर इसके नाम पे है। सकता है वरुण हमारा हिस्सा नहीं बेच सकता है। नहीं, उसका कोई हक नहीं क्योंकि दिलीप भैया ने 60% जायदाद तो इन दोनों के नाम पे की हुई है। अरे वाह, कितनी होशियार है इस घर की औरतें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए ना वरुण ने साइन तो किया हुआ है। तुम चाहे जितने मर्जी साइन ले लो रागिनी, पर ये नहीं हो सकता है। अच्छा तो जाओ ना अदालत तक, लड़ लो केस, कौन रोक रहा है तुम्हें। लेकिन एक बात मत भूलो, धोखे का इल्जाम मुझ पर नहीं आएगा, धोखे का इल्जाम आएगा तो नैना त्रिपाठी, वरुण त्रिपाठी और कीर्ति त्रिपाठी पे। क्योंकि जायदाद पे बिना हक के पूरे पैसे लेकर उन्होंने ये पूरा घर मुझे बेच दिया।
वरुण ने पूरा घर तुम्हें नहीं बेचा था, तुमने सारे पेपर्स फॉर्ज किए। हाँ अंकल, तो मैं तो कह रही हूँ, जाइए ना कोर्ट में लड़ लीजिए। हाँ लेकिन एक बात मत भूलिए, ये जो प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं ना, बड़े लंबे चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि घर आपके नाम होने से पहले ही आप ही चल बसे। रागिनी! शाबाश श्रद्धा, तुमसे ना बस यही एक उम्मीद थी मेरी। But you know what? तुम्हारे इस थप्पड़ से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस थप्पड़ में मुझे तुम सबकी तड़प की गूंज सुनाई दे रही है। कमाल है ना? तो अब क्या करना चाहते हो आप लोग? केस करेंगे और केस करके ताई जी, वरुण, कीर्ति सबको जेल के पीछे देखेंगे, या फिर चुपचाप से इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा रागिनी। ये घर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। कानून ना तुमसे बड़ा नहीं है श्रद्धा, तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा परिवार जेल ना जाए तो चुपचाप से इस घर से चले जाओ। समझे? ऐसा कभी नहीं होगा। तो ठीक है, फिर तुम सबके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम सबको यहाँ मेरा नौकर बनके रहना होगा। रागिनी, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी सोचने की कि हम अपने ही घर में नौकर बन के रहेंगे? अपना दिमाग घास चरने तो नहीं भेज दिया है तुमने कि ऐसे अरमानों की बत्तियां जलाने की उम्मीद भी कर रही हो तुम? तो तुम हम सबका फैसला सुन लो, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ सकती हूँ मैं, तुम्हारे परिवार वाले फिलहाल मेरे शर्त को मानने के लिए रेडी नहीं है, पर पता है मैं उतनी भी बुरी नहीं हूँ। 24 घंटे देती हूँ मैं तुम्हें, इन 24 घंटों में अपने परिवार को या तो तुम मना लो कि वो मेरी शर्त मान जाए, या फिर अपना सामान बांधो एंड गेट आउट ऑफ माय हाउस। अरे अगर जाना है तो नैना भाभी, कीर्ति और वरुण जेल जाएं, लेकिन उस रागिनी की शर्त हम कभी नहीं मानने वाले हैं। कैसी बातें कर रही हैं तन्मय जी? जितना बड़ा धोखा वरुण, कीर्ति और नैना भाभी के साथ हुआ है उतना ही हमारे साथ भी। उन्हें क्या पता था कि रागिनी पूरा घर खरीद रही है? अरे तो आप क्या चाहते हैं कि हम उसकी नौकर बन जाएं? बिल्कुल नहीं। लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है उसने हमारे लिए? भगवान, पता नहीं क्या होगा हमारा। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचे, आप सब अपना अपना सामान बांध लो, हम कल ये घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं आज के आज ही कहीं हमारे रहने का इंतजाम कर लेता हूँ। अभय, हम अपने ही घर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर हम ये घर छोड़कर गए तो उसमें रागिनी की जीत होगी, उल्टा हमें ये कोशिश करना चाहिए कि किसी तरह से उसे इस घर से बाहर निकालें। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो?
यहाँ रहने का मतलब क्या है? मैं अपने पापा मम्मी से इस उम्र में रागनी के यहाँ नौकरों जैसे काम नहीं करवाना चाहता। श्रद्धा, जोश खोना एक बात है, तुम क्या होश खो बैठी हो? श्रद्धा अबे बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है हमारे सर पर कि हम उस रागिनी के आगे इतना झुक जाए कि उसके नौकर बनकर रहे इस घर में। आप सब बात समझने की कोशिश कीजिए, हम एक बार यहाँ से गए तो इस घर में दोबारा वापस नहीं आ सकते, और रागिनी यही तो चाहती है। बस श्रद्धा, मैंने बोल दिया कलम घर छोड़ के जा रहे हो तो बस जा रहे हैं, तुम अपना सामान बांध लो। इन्हें ये समझना होगा कि रागिनी को हम ऐसे जीतने नहीं दे सकते, वरना उसकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी, हम उससे ऐसे हार नहीं मान सकते। मैं सामान ले, हमें निकलना है। मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे देखना, ये ना उस रागिनी के सामने एक दिन भी नहीं टिक पाएगी, खुद लौट के आ जाएगी, तुम चलो। इतनी आसानी से टूट गया तुम्हारा परिवार और वो सब तुम्हें यहाँ सड़ने के लिए छोड़ के चले गए? 24 घंटे दिए थे ना तुमने फैसला लेने के लिए। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, अपने आप को तैयार कर लो और नीचे आ जाओ सर झुका के मेरी नौकरानी बनने के लिए। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।